HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। ये बाजार खुलने को लेकर के आज दुकानों की मार्किंग की गई है। हमारे साथ NPO हैं डॉक्टर विजयपाल जी, एक बार जानते हैं क्योंकि शहर भर में काफी सारी दुकानें हैं जिन पे मार्किंग सुबह से चल रही है, कल से बाजार खुलेगा, क्या रूपरेखा रहेगी एक बार विस्तार से जानते हैं, क्या टाइमिंग रहेगी दुकानें खुलने की, क्योंकि कल कई सारी खामियां थी जो नहीं बता पाए थे और उसके बाद अमेंडमेंट भी हुआ, क्या बदलाव हुआ है। आज फाइनल आप देख सकते हैं किस तरीके से एक एक दुकानों की जो मार्किंग की जा रही है, वहाँ बकायदा स्टिकर लगाया गया है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, हरा, वाइट और ग्रीन ऐसे करके लगाया गया। सीधा जानते हैं पूरा जिला उपायुक्त महोदय ने क्या निर्देश दिया, क्या रूपरेखा रहेगी, क्या टर्म्स कंडीशन है जिनके आधार पर दुकानें खुलेंगी। ये साहब क्या टर्म्स कंडीशन है जो लगाई गई है आपको, पूरी जिम्मेदारी किस आधार पे दुकानें खुलेंगी? जैसा कि आपको पता है कि आज पूरे बाजार में मार्केट में दुकानों की नंबरिंग हो रही है, जिसमें एक नंबर ऑरेंज कलर, दो नंबर वाइट कलर, तीन नंबर ग्रीन कलर, इस प्रकार से मार्केट में दुकानों की नंबरिंग हो रही है। प्रत्येक सप्ताह में एक दुकान दो दिन खुलेगी, अर्थात सोमवार को एक नंबर, मंगलवार को दो नंबर, बुधवार को तीन नंबर, इस प्रकार से फिर अगले नेक्स्ट, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। और अब जो कल से ओपनिंग हो रही है, कल बुधवार पड़ रहा है, तो कल से कौन सी नंबर की दुकानें खुलेंगी? कल तीन नंबर, क्योंकि नेचुरल है, सोमवार को एक नंबर, मंगलवार को दो नंबर और बुधवार को तीन नंबर। इस प्रकार से ये जो नंबरिंग हो रही है उसके हिसाब से केवल जिन दुकानों पर नंबर है वही दुकानें खुलेंगी, उसके अलावा नहीं खुलेंगी। केवल उसमें हॉस्पिटल, मेडिकल और हमारे मेडिकल स्टोर है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, उन पे हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो किराने की दुकान थी कल तक, ये था कि किराने की दुकान पहले खुल रही है, उनको भी अभी इसी एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर में शामिल कर लिया। फिलहाल ये है किराने की जो होलसेल की है, होलसेल की तो कंटिन्यू खुलेगी, परंतु रिटेलर है उसको इसी नंबरिंग के आधार पर, इसी जो पैरामीटर है उसी के अनुसार खोलना होगा। यानी कि उनको भी, यानी कि अब नंबरिंग के हिसाब से में दो दिन नंबर आएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक टाइमिंग क्या होगी दुकानें खुलने का? है 9 से 4 होगी, केवल मिल्क बूथ और डेयरी को छोड़कर वो उनका टाइमिंग 7 बजे तक है, बाकी सभी दुकानों का 9 से 4 होगा। अच्छा, इसमें बैन किन किन दुकानों पे है? इन पे दुकान है बेकरी, मिठाइयों की दुकान और आपकी चाय की दुकान, और चाय जैसे ऐसे भी कोई स्टॉल है, जैसे चाय की स्टॉल है, नींबू पानी की स्टॉल है, जो क्राउडेड होती है वो सभी स्टॉलें बैन है। यानी कि जूस से जुड़ी हुई जूस कॉर्नर है वो सब बैन है। जूस कॉर्नर है। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स में जो है दुकानें वो? उसमें ये है कॉम्प्लेक्स जो जैसे अभी कमला पैलेस है, कई सारे कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, वहाँ दुकानें हैं, उन लोगों की शिकायत आ रही है, बोले ये हमारे को नहीं नंबर दिए गए, हमारी दुकान उन पे क्या है, कॉम्प्लेक्स के लिए मना किया है, परंतु उस बारे में अभी जिस हिसाब से चर्चा चल रही है और उस पर विचार कर लिया जाएगा। एक जैसा आप ही का नगर परिषद का मार्केट है ऑटो मार्केट, आपका दिल्ली रोड पे मार्केट है, उनका क्या होगा? नहीं, मार्केट की दुकानें उनको सब पर नंबरिंग दे रहे हैं हम। अच्छा, उनको सब नंबरिंग दे रहे हैं और नंबर के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। और टर्म्स कंडीशन क्या होगी उन लोगों की, तमाम उनको क्या क्या चीज़ फॉलो करनी होगी? देखो, मैं आपको बड़े विस्तार से बताता हूँ कि केवल जिन दुकानों को नंबर दिया जाएगा और कलर कोड दिया गया है वही दुकानें खुलेंगी, और इसके अलावा वो दुकानें खुलेंगी जो पहले हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, मेडिकल स्टोर है, वो खुली रहेंगी कंटिन्यू, और बाकी दुकानें केवल वही दुकानें एज पर डे, मैंने पहले बताया आपको सोमवार को एक नंबर, मंगलवार को दो नंबर। वो हो गया सोशल डिस्टेंस और क्या क्या उनको ऐसी पाबंदियां लगाई गई है? दुकानदार के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा, अति आवश्यक होगा, दुकानदार अपने ग्लव्स, मास्क का प्रयोग करें ताकि ग्राहक और दुकानदार में संपर्क ना हो। जो भी AC वाली दुकानें हैं वो अपने बाहर गार्ड लगाएं और उनके जो गार्ड हैं वो सैनिटाइजर रखें, ताकि आने वाले कस्टमर का पहले सैनिटाइजर से यूज हो तब एंट्री हो, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन के लिए सर्कल लगवाएं वाइट, और एक दुकान पर विद दुकान के अंदर विद ओनर और उसका सेल्समैन और कस्टमर 5 से ज़्यादा ना हो। तो ठीक है, एक ये हो गया।
अब इसमें दुकान और कस्टमर की दूरी कितनी हो, जैसे आप लोगों ने मेडिकल की दुकान पे बाहर कार्टून लगवाए हैं, हमने 6-6 फुट का कहा है, 6-6 फुट। एक बाजार में जो रेड़ियां लगती है उनको कैसे करेंगे? बाजार में बहुत सारी सब्जियों की रेड़ियां हैं जो लगी हुई है, अभी रेड़ियां बैन है, रेड़ियों के लिए कोई परमिशन नहीं है। केवल जो मार्केट की दुकानें हैं, सफाई दुकानें हैं, उनकी नंबरिंग हो रही है, कलर कोडिंग है, केवल उन्हीं के लिए परमिशेबल है, बाकी रेडी के लिए कोई परमिशन नहीं है। अच्छा, जो रियायती क्षेत्रों में दुकानें खुल रही है उन पे भी कोई किसी नहीं, जो रियायती क्षेत्र में जो एकल दुकानें हैं, एकल दुकानों के लिए खुली रहेंगी, उनके लिए कोई बैन नहीं, कोई नहीं। इसके अलावा जनता के कुछ सवाल हों उनका कैसे, क्या जवाब किस तरीके से दिया जाएगा? बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी हमें कितने बजे तक घर पहुंचना है, कितने बजे तक दुकानें खोलनी है, वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता सकें। ऐसा है, दुकानदार को सुनिश्चित करना है कि उसका दुकान का ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम, ओपनिंग टाइम 9 बजे, क्लोजिंग टाइम 4 बजे, आपका घर से दुकान तक आने का समय भी इसी में शामिल है और दुकान से फिर वापस घर जाने का समय भी इसमें शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 9 बजे दुकान खोलनी है तो है तो आप जो घर से दुकान तक समय लगा वो इसमें इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर वापस जाना है तो आप 3:30 बजे या 4:45 बजे आप दुकान को क्लोज करो, ताकि ये 15 मिनट का रास्ता है तो आप अपने घर। साहब, इसमें एक और चीज़ आती है, बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं, आप बाजार खोल रहे हैं, एक और प्रशासन बाजार खोलता है, दूसरी ओर पुलिस प्रशासन तमाम जगह नाके लगा के चालान काटने स्टार्ट कर देता है, एक एक बूथ पे 50-50-100 चालान रोज करते हैं। जनता दुविधा में है कि हम सामान लेने जाएं या चालान कटवाए, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार का चालान कटता है। किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जाए, लोगों को क्या संदेश देंगे कि उनके चालान ना कटे, या क्या कुछ उनको करना चाहिए? देखो, ये पहले से ही है, पुलिस ऐसा है, ये पुलिस प्रशासन जो लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जो लगा हुआ है, वो हम सब पूरे शहर के लिए, सभी सिटीजन के लिए, के फायदे के लिए है, तभी हमारा शहर सुरक्षित है, आज कोरोना से बचा हुआ है। इसमें यह है, जो जिस सिटीजन को केवल तभी घर से बाहर निकलना है जब बहुत आवश्यक हो, और वो भी परिवार से केवल एक आदमी आए जो ज़रूरी सामान खरीदने के लिए बाज़ार में, अननेसेसरी क्राउड ना हो शहर में, इसलिए पुलिस चालान इसलिए करती है। कई लोग अननेसेसरी घूमते हैं, इसलिए चालान करती है, या दूसरे शहरों से आ रहे हैं बगैर परमिशन के, उन लोगों का चालान करते हैं। अच्छा, जिले से, जिले के अंदर बाहरी की भी एंट्री बैन है पूरी तरीके से? नहीं, इसमें डीसी साहब ने कल ही बताया था, उपायुक्त महोदय ने, जो सामान गुड्स के जो वाहन हैं उनके लिए परमिशेबल है, तो बीमार है उसके लिए परमिशेबल है, कोई बहुत ज़रूरी काम है उसके लिए परमिशेबल है, परंतु अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से जो लोग घूमते हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उनसे सब पर बैन है, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है, इसमें प्रशासन भी और आप सिटीजन भी सब मिलकर काम कर रहे हैं। एक इसमें चाय बीड़ी और जो पान वान की दुकानें हैं, क्या वो बैन रहेंगी? बिल्कुल, चाय की दुकानें, पान की दुकानें, बीड़ी की दुकानें, जो इस टाइप की दूसरी स्टॉल है, जूस कॉर्नर है, सभी पर पूरी तरह से बैन है। पान गुटखा बिक सकता है? बिल्कुल बैन है। दारू की ठेके वगैरह, ये इसके लिए एक्साइज बैंक, दारू के लिए स्पेशल एक्साइज की अलग से परमिशन है, इसमें शामिल नहीं है। तो ये देखिए, कल जिस तरीके से लोगों ने हमें कहा था कि कई सारी कमियां रह गई थी, उस न्यूज में नहीं बता पाए थे, आज हमने विस्तार से इसलिए पूरी चर्चा की है। अब एक एक व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है, इस वीडियो को शेयर कर सकता है आगे, और इन नंबर भी एक मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मोहन जी बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका चैनल बड़ा फास्ट है और पूरी सिटी को कवर करता है और इसकी क्रेडिबिलिटी भी है, लोग इसको समझते हैं, मैं भी इस बात को समझता हूँ। क्या है कि आज जो हमने नंबरिंग की है कलर के साथ, एक नंबर ऑरेंज कलर है, 2 नंबर वाइट कलर है, 3 नंबर ग्रीन कलर है, तो मेरी आपके चैनल से सभी दुकानदारों से अपील है कि वो जो हमने नंबरिंग करा दी इसको मेंटेन रखें, और आप भी अपने किसी पेंटर से ये अपने आप अपनी दुकान के शटर पर एक स्ट्रिप लगा लें, जो कलर आपको अलॉट किया गया है, जिसको एक नंबर अलॉट हुआ है वो ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर की एक स्ट्रिप लगा लें ताकि वो सफाई रहे। इसी प्रकार जिसको 2 नंबर दिया गया है वो व्हाइट कलर की स्ट्रिप लगा ले, जिसको 3 नंबर दिया गया है वो अपनी ग्रीन कलर की स्ट्रिप लगा ले, ताकि ये सफाई रहे, कोई कन्फ्यूजन
क्रिएट ना हो, तो ये आपके माध्यम से सभी दुकानदारों से मेरी अपील है कि आप इस चीज को अपने लेवल पर मेंटेन करा लें। तो देखिए कोई कंफ्यूजन ना हो तमाम चीजें, इसलिए आज ये पूरी चर्चा हमने न पीओ की दिखाई है, क्योंकि जिला उपायुक्त महोदय ने इनको नियुक्त किया था। तमाम व्यापारियों से बातचीत करके, तमाम चर्चा करके और आराम से कि किस तरीके से मार्केट खुलेगा। अब चीजें हैं जनता के हाथ में कि वो पैनिक ना फैलाए, दुकानें खुलेंगी, सबको सब कुछ मिलेगा, धीरे धीरे बाजार खुल रहा है। जैसे जैसे स्थिति काबू में आएगी वैसे वैसे प्लानिंग भी बदली जाएगी, धीरे धीरे एचआर न्यूज आपको मैसेज भी देता रहेगा। फिलहाल कल से दुकानें खुल रही हैं, आप आराम से मार्केट में आइए, सामान लीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंस वगैरह का ध्यान भी रखिए, अपने आप को बचाइए, अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। ये भी एचआर न्यूज आप लोगों से अपील करता है। फिर भी अगर कोई आपके पास अगर किसी और सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को आगे शेयर करें और भी लोगों को बताएं कि किस तरीके से पूरी जानकारी नपीओ महोदय ने आप लोगों को दी है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी। एचआर न्यूज यूट्यूब चैनल की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें।